बात उन दिनों की है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे। वे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका शरीर दुबला पतला था। एक लोकप्रिय नेता के रूप में लोग उन्हें बहुत चाहते थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी अपने घरों में टांग रखी थी। उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क के वेस्टफील्ड नामक शहर में ग्रेस बीडल नाम की एक छोटी सी बालिका रहती थी। एक दिन उसके पिता मेले से लिंकन की तस्वीर लेकर आए और उसे घर में दीवार पर टांग दिया। लिंकन का नाम ग्रेस ने भी सुन रखा था और उनके प्रति उसके मन में सम्मान भी था, किंतु तस्वीर में लिंकन उतने प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। ग्रेस ने अपनी माँ से कहा, माँ, लिंकन यदि अपनी दाढ़ी बढ़ा ले तो वे और भी प्रभावशाली लगेंगे। माँ ने ग्रेस की बात अनसुनी कर दी, लेकिन ग्रेस ने ठान लिया कि वह अब्राहम लिंकन को पत्र लिखकर उन्हें दाढ़ी रखने का सुझाव तो देगी ही। वह अपने कमरे में गई और अब्राहम लिंकन को पत्र लिखने बैठ गई। इस पत्र के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। वेस्टफील्ड, न्यूयॉर्क, 15 अक्टूबर 1860। माननीय एबी लिंकन महोदय, मेरे पिता अभी अभी मेले से आपकी तस्वीर लेकर आए हैं। मैं 11 वर्ष की छोटी बालिका हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मुझे आशा है कि आप जैसे महान व्यक्ति को पत्र लिखने का साहस करने वाली मुझ जैसी बालिका का आप बुरा नहीं मानेंगे। क्या आपकी मेरी जितनी छोटी बेटियां हैं? यदि हैं, तो उन्हें मेरा प्यार देंगे और उनसे कहेंगे कि वे मुझे इस पत्र का जवाब दें, यदि आप स्वयं न दे पाए तो। मेरा सुझाव है कि आप अपने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा लें। इससे आपका चेहरा भरा भरा लगेगा और आप अधिक आकर्षक लगने लगेंगे। मुझे लगता है कि तब अधिक से अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। बस इतना ही। आपकी ग्रेस बीडल। इस घटना के कुछ दिनों बाद लिंकन एक बार फिर वॉशिंगटन जाते समय वेस्टफील्ड रुके थे। वहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। लिंकन ने वहां मंच से भाषण दिया। भाषण देने के बाद उन्होंने भीड़ को आवाज देते हुए कहा, यदि ग्रेस बीडल यहां मौजूद हो तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। भीड़ को चीरते हुए ग्रेस के पिता उसे साथ में लिए लिंकन के पास पहुंचे। लिंकन ने ग्रेस से ढेर सारी बातें की। अंत में उन्होंने कहा, ग्रेस, मेरी दाढ़ी की ओर देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने इसे बढ़ा लिया है। ग्रेस बीडल की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा।